Hello and welcome to Clarity for UPSC. I'm Dr. Shivan. In this video, I'm going to talk to you about the mains special focus group or SFG for mains 2023. So, agar aap mains 2023 de rahe ho, this video is for you. And I'm sure abhi tak aapko ye realize ho gaya hoga ki there is a lot of misguidance in the market. Aapko samajh nahi aa raha hai aapko kya karna hai. There is a fear of missing out. इधर भी टेस्ट सीरीज है, इधर मटेरियल है, इधर और चीज़ें हैं, इधर कोई आंसर राइटिंग है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. एंड देर इज़ अ लैक ऑफ अ प्लान्ड एंड अ स्ट्रक्चर्ड अप्रोच टू द मेंस. ये प्रॉब्लम्स मेंस की बहुत कॉमन है. कुछ और प्रॉब्लम्स भी हैं मेंस की, ये तो वो हैं जो आपने एक्सपीरियंस कर ली होंगी अब तक. और ये वो प्रॉब्लम्स हैं कुछ और जो शायद आपको रियलाइज़ नहीं होती. मेंस ऐसा एग्ज़ाम है जहाँ पर एक एक मार्क की बहुत ज़्यादा वैल्यू है, बहुत बहुत ज़्यादा वैल्यू है. मेंस जो है, अगर आप 959 मार्क्स लेके आते हो मेंस और इंटरव्यू मिला के, तो यू आर आउट ऑफ द लिस्ट. और अगर आप 999 मार्क्स लेके आते हो तो यू आर सीधा आईएएस. तो विद इन 40 मार्क्स द एंटायर गेम इज फ्लिप्ड. तो एक एक नंबर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हर मार्क इंपॉर्टेंट है. एंड आई नो इवन दिस इज स्केयरिंग यू, बट डोंट वरी, दिस वीडियो इज अबाउट सॉल्यूशंस, नॉट अबाउट स्केयरिंग यू. Let me tell you about my experience from mains 2021. I cleared the exam last year. Mains 2022 में मैं पास हो गया, मेरी इंटरव्यू कॉल आई, मेरी फाइनल लिस्ट में नाम भी आ गया. बट मेंस 2021 में मैं फेल हो गया था. I failed the mains by 18 marks. Now let me tell you what happened. Firstly, I did not understand how to balance GS and optional. कभी जब मैं ऑप्शनल अच्छे से पढ़ता था तो मुझे लगता था मेरा GS वीक हो रहा है, एंड vice versa. When I was studying the GS, it felt that my optional is now getting neglected, and मुझे समझ नहीं आया था हाउ राइट बैलेंस कैन बी स्ट्रक हियर. देन आई वॉज नॉट श्योर अबाउट टेस्ट सीरीज, कहाँ लेनी है, कहाँ नहीं लेनी, कौन सी देनी है, कौन सी नहीं देनी, ऑप्शनल की टेस्ट सीरीज का क्या, एसए की टेस्ट सीरीज का क्या, एक्सेट्रा. एंड इन ऑल ऑफ दिस आई ऑल्सो स्टार्टेड इग्नोरिंग द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन. ये भी एक बड़ी नॉर्मल चीज़ थी, पता ही नहीं था कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने होते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से कितने रिपीट होते हैं, एक्सेट्रा. देन द लास्ट टू वीक्स आई वॉज कम्प्लीटली क्लूलेस, एंड बिल्कुल ही हाफ हैजर्ड तरीके से मैं प्रिपेयर कर रहा था. आई हैड नो आइडिया लास्ट टू वीक्स में कैसे हैंडल करना है, क्या चीज़ें ढंग से करनी है, क्या नहीं करनी. इट वॉज अ रियल मेस इन द लास्ट टू वीक्स, एंड आई ऑलमोस्ट गेव अप. एंड लास्टली देर वॉज नो प्लान. लाइक आई हैड अ प्लान, आई मेड वन प्लान, एंड देन आई चेंज इट, देन आई मेड अ प्लान, देन आई चेंज इट, देन आई मेड अ प्लान, देन आई चेंज इट. एंड अगर आप इसका प्रूफ चाहते हो, इसी यूट्यूब चैनल को पहले आई यूज टू कॉल इट अनोनिमस यूपीएससी एस्पिरेंट. और जब मैंने YouTube चैनल स्टार्ट किया था तब मैं मेंस 21 ही दे रहा था. एवरी डे आई यूज टू रिकॉर्ड वट एवर आई विल स्टडी एंड वट एवर आई विल नॉट. एंड यू कैन सी इन दोज वीडियोस के कोई स्ट्रक्चर नहीं है. जब मेरा मन कर रहा है मैं कुछ भी पढ़ रहा हूँ, कुछ भी छोड़ रहा हूँ. सो दीज आर प्रॉब्लम्स. एंड अगर आपको अभी ये लगना शुरू हो गया है, बिकॉज आपको एक हफ्ता अब हो गया होगा मेंस की प्रिपरेशन स्टार्ट किए हुए, एक दो हफ्ते जैसे भी, तो आई एम श्योर यू आर फेसिंग दीज प्रॉब्लम्स एंड आपको ये इश्यूज हो रहे हैं. फर्स्टली लेट मी टेल यू, दीज आर नॉर्मल. बट द पॉइंट इज, despite them being normal, we cannot ignore them. You have approximately 90 days for mains. अब तो वो पूरे 90 रह भी नहीं गए हैं. And every day, आप ये सोचो कि every day if you make enough effort के बस आपका एक mark ज़्यादा आ जाए mains में, तो you will shift your score by 90 marks. Every day if you stay lax, you will remove your score or reduce your score by 90 marks. और 90 marks in the mains ना बहुत बड़ी बात है. तो every day you must do well. बट वो सिर्फ हार्डवर्क से नहीं होगा. फॉर दैट यू नीड अ प्लान इन प्लेस, यू नीड एन आइडिया इन प्लेस, एंड यू नीड समबडी टू हेल्प यू. तो अब प्रॉब्लम्स तो मैंने बहुत गिनवा दी, सोल्यूशन क्या है? सोल्यूशन है दैट आई एम मेकिंग अ स्पेशल फोकस ग्रुप फॉर मेंस 2023. आई हैव ऑलरेडी अनाउंस दिस ऑन माई टेलीग्राम. अब मैं यूट्यूब पर भी अनाउंस कर रहा हूँ. इस ग्रुप में ऑफकोर्स मैं रहूँगा, मुझे आप जानते हो. आई हैव रैंक 297 दिस ईयर. दे विल बी सत्यम जैन सर, इनके बारे में आपने सुना होगा, एंड ही इज ऑल्सो गिवन टू इंटरव्यूज, ही इज अ ग्रेट गाइड. देर इज गोइंग टू बी ऋषभ सर, हु हैज स्कोर्ड 135 मार्क्स इन एसए दिस इन एथिक्स दिस ईयर इन GS4, मे बी द हाईएस्ट. एंड ही हैज ऑल्सो गिवन द इंटरव्यू इन 2022, एंड देर विल बी सम अदर रैंकर्स एंड इंटरव्यू अपीयर्ड कैंडिडेट्स हु हैव अग्रीड टू कम ऑन टू हेल्प पीपल, स्पेशली विद रिस्पेक्ट टू ऑप्शनल्स. नाउ अब हाउ डू यू गेट इन टू दिस ग्रुप एंड हाउ दिस ग्रुप विल हेल्प यू, ये देखते हैं. सो प्लान क्या है इस ग्रुप का? द प्लान इज दैट फर्स्टली वील हैव गाइडेंस सेशंस फॉर एसए, फॉर जनरल स्टडीज के सारे पेपर्स 1, 2, 3, 4, एंड स्पेसिफिकली फॉर योर ऑप्शनल. एंड वील गेट पीपल हु हैव एटलीस्ट स्कोर्ड 250-260 मार्क्स, प्रेफरेबली इससे ज़्यादा ही. यू नो वील गेट पीपल हु हैव गॉटन वेरी गुड
मार्क्स टू हेल्प यू एंड टेल यू कि उन्होंने इन 3 मंथ्स को कैसे मैनेज किया था. इट्स नॉट पॉसिबल टू एक्सप्लेन दिस इन वीडियोस, दैट इज़ व्हाई आई एम मेकिंग दिस ग्रुप, बिकॉज यू विल नीड पर्सनलाइज असिस्टेंस एंड पर्सनलाइज हेल्प, स्पेशली इफ़ यू आर राइटिंग मेंस 2023. वी विल टेल यू हाउ टू राइट आंसर्स एंड हाउ टू इम्प्रूव दैम. स्पेशली अब आपने देख लिया है कि टेस्ट सीरीज की इवेल्युएशन का कोई फायदा होता नहीं है, यू नीड अ प्लेस वेयर यू कैन गेट द हेल्प एंड वी आर देयर टू हेल्प यू जितना हमसे हो पाएगा. ऐसा नहीं है कि हमने बिल्कुल मास्टर कर लिए टेक्निक और बस अगर आप यहाँ आ जाओ तो बस हम आपको सब कुछ सिखा देंगे, ऐसा नहीं है. वी आर ऑल्सो लर्निंग, बट वट एवर इनपुट्स वी कैन गिव यू, वट एवर हेल्प वी कैन गिव यू, वी विल. विद रिगार्ड्स टू आंसर्स एंड विद रिगार्ड्स टू एसेज विल डू द सेम थिंग एंड वील ट्राई एंड ब्रिंग ऑप्शनल में वील ट्राई टू ब्रिंग रैंकर्स ऑन जिनके मार्क्स अच्छे आए हैं सो दैट दे कैन गाइड यू विद दिस. मोस्ट इंपॉर्टेंटली दिस ग्रुप विल गिव यू अ प्लान. It will give you a structured approach to the next 3 months. It will give you a peer group. और ये peer group बहुत important होता है because जब आप देखोगे कि लोगों के भी similar struggles हैं and people are also working hard just to make sure कि वो भी इस exam में, इस बहुत tough exam में sustain कर सकें, it will help. It will help you stay on track and it will tell you that you are not alone. Now, before I tell you how to access this, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है कि इस group में आके ही आपका mains निकलेगा या इस ग्रुप की वजह से ही आपका मेज निकलेगा. दिस इज़ जस्ट दैट वी कैन गिव यू सम हेल्प जो डिफरेंशियल क्रिएट होता है. लाइक इफ़ वी कैन जस्ट ऐड मे बी 1 मार्क मे बी 10 मार्क्स टू योर मेन्स प्रिपरेशन, दैट्स ऑल द एफर्ट इज हेयर. एंड हो सकता है ये 10 मार्क्स से आपको बहुत ज़्यादा फायदा हो जाए एंड में. राइट नाउ द क्वेश्चन इज हाउ डू यू एक्सेस दिस. फर्स्टली दिस इज़ कम्प्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट. यहाँ पे कोई मॉनिटरी इंसेंटिव नहीं है. ये इसलिए नहीं कर रहे कि यू नो वी कैन अर्न सम मनी और एक्सेट्रा. This is generally to help because Satyam sir ko bhi ye feel hua aur mujhe bhi ye feel hua bahut zyada guidance ki kami hai and I personally feel that if I had right guidance main pehla mains bhi apna fail nahi hota. I failed my first mains by 18 marks mainly because I probably did not have the guidance that I needed to get through the mains. So isiliye this is just a guidance and helping initiative which is completely free of cost, but you will still have to pay and you will have to pay with your time. You will have to pay with your hard work and you will have to pay with your perseverance. This is not like any other Telegram group ki aapne join kar liya and then you forget about it for the next 3 months bas wahan pe kuch kuch ho raha hai. If you do not work hard, if you do not give your time, if you do not persevere, aapko nikal diya jayega. Aapne prelims clear kiya hai, huge congratulations to you, but the big game, the real game is still remaining and the real game is mains. Sari baat yahan pe set honi hai, right? So if you don't work hard, if you don't put your time, आप हमें लगा कि आप मेहनत नहीं कर रहे, आप यू आर नॉट सीरियस, यू विल बी रिमूव फ्रॉम द ग्रुप. सिंपली बिकॉज ये बात हम क्यों कह सकते हैं, बिकॉज हमारा कोई मॉनेटरी इंसेंटिव नहीं है यहाँ पे. दिस इज जस्ट टू हेल्प पीपल एंड इंश्योर दैट वी फॉर्म अ कम्युनिटी दैट हेल्प्स अदर्स. इफ यू पे अस विद योर टाइम, विद योर हार्ड वर्क, विद योर परसिवियरेंस, वी विल पे यू बैक. वी विल पे यू बैक विद आर एफर्ट्स, विल प्रोवाइडिंग यू द बेस्ट मटीरियल, द बेस्ट गाइडेंस. जितना मैं आपको बता पाऊंगा, जितना सत्यम सर आपको हेल्प कर पाएंगे, जितना ऋषभ सर आपको हेल्प कर पाएंगे, वी विल ऑल कम टुगेदर एंड हेल्प यू एज मच एज वी कैन. आई हैव ऑलरेडी अनाउंस दिस ऑन माई टेलीग्राम चैनल. मैंने पहले ही टेलीग्राम चैनल पे अनाउंस कर दिया था. ये सेम ही इनिशिएटिव है, देर इज़ नो डिफरेंस. बट ये स्लैगर्ड वे में अनाउंस इसीलिए किया है बिकॉज हमें फॉर्म भरवाना है आप लोगों से एंड वी हैव टू अप्रूव यू. नॉट एवरीबडी इज अलाउड एंट्री. पीपल हु आर राइटिंग मेंस 2023 आर अलाउड एंट्री, तो उसमें टाइम लगता है. तो अब आपको क्या करना है टू गेट इन टू दिस ग्रुप. देर इज़ अ गूगल फॉर्म इन द डिस्क्रिप्शन एंड इन द फर्स्ट पिंड कॉमेंट. इस फॉर्म को प्लीज़ ध्यान से भरना. देर आर अ लॉट ऑफ इंस्ट्रक्शंस इन दिस फॉर्म वेयर यू विल नीड टू टेल अस अबाउट योर रोल नंबर, यू विल नीड टू सबमिट योर एडमिट कार्ड. इस बात को मैं क्लियर कर देता हूँ, एज सून एज द फॉर्म्स आर फिल्ड, जब सारी अप्रूवल्स हो जाएंगे और सब कुछ हो जाएगा, जो भी एडमिट कार्ड्स आप सबमिट करोगे मैं सारे डिलीट कर दूंगा. और अगर आपको कोई डाउट है अबाउट माई इंटेग्रिटी और द फैक्ट दैट आई वॉन्ट योर डेटा, वहाँ पर जहाँ आपका आधार कार्ड का नंबर होता है या आपका एड्रेस होता है, आप उसको ब्लैक एंड आउट कर दीजिए. आई जस्ट वॉन्ट टू सी योर रोल नंबर टू इन्श्योर दैट यू आर गिविंग मीन्स 2023, नथिंग एल्स. जब आप ये फॉर्म भर लेंगे एंड यू गिव ऑल द डेटा एक्सेट्रा, यू विल फाइंड अ लिंक ऑफ द टेलीग्राम ग्रुप. जब आप उस लिंक पे क्लिक करेंगे आपको डायरेक्ट एक्सेस नहीं मिलेगी, आपको एक रिक्वेस्ट टू ज्वाइन का आइडिया दिखेगा. इट विल यू विल सी कि हाँ आप रिक्वेस्ट टू ज्वाइन कर सकते हैं. यू विल जस्ट वेट फॉर 1 डे फॉर योर रिक्वेस्ट टू बी अप्रूव्ड. देर आर पीपल वर्किंग ऑन इट डे इन एंड डे आउट ताकि सबकी रिक्वेस्ट अप्रूव हो जाए एंड सीरियस कैंडिडेट्स हु आर राइटिंग मेन्स एंटर द ग्रुप, ताकि एक प्रॉपर कम्युनिटी बढ़ पाए. एक इंस्ट्रक्शन और है, ये फॉर्म में भी वैसे ये पूरी बात लिखी है कि आपको अपनी टेलीग्राम आईडी वहाँ पर देनी है ताकि हमारे लिए थोड़ा आसान हो जाता है रिक्वेस्ट में आपको सर्च करना. आपको यूज़र नेम अपना वहाँ पर बताना है एंड कुछ दिनों के लिए आपकी जो टेलीग्राम आईडी है
उसको अपने एक्चुअल नेम से कॉमन कर लीजिएगा सो दैट इट्स ईजी फॉर अस टू रिकॉग्नाइज हु इज यू नो जेन्युइनली राइटिंग नेम्स एंड हु इजंट. कुछ सेटिंग्स में चेंज करना है, जैसे कि प्राइवेसी सेटिंग्स चेंज करके अलाउ एवरीवन फॉर ग्रुप्स कर दीजिए फॉर सम डेज सो दैट वी कैन ऐड यू जस्ट फॉर वन डे. ये फॉर्म में अच्छे से मैंशनड है तो प्लीज़ फॉर्म को ध्यान से पढ़ना, ध्यान से भरना. यू कैन ओनली फिल इट वंस, राइट? डुप्लीकेट एंट्रीज अलाउड नहीं है, सो यू कैन जस्ट फिल इट वंस. तो प्लीज़ ढंग से पढ़ना एंड डू दिस नाउ. थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू फॉर योर टाइम. एंड ऑलरेडी बहुत लोगों ने इस ग्रुप को ज्वाइन कर लिया है, तो फर्स्टली आई जस्ट लाइक टू थैंक यू फॉर द ट्रस्ट यू हैव प्लेस्ड इन मी. नाउ आई लाइक टू सी योर हार्ड वर्क एंड आई विल शो यू द हार्ड वर्क आई एम विलिंग टू डू फॉर यू. आई नो मुझे एक वीडियो एंथ्रोपोलॉजी पर भी बनानी थी, इट्स जस्ट दैट थिंग्स हैव बीन नॉट दैट ग्रेट, इट्स बीन वेरी ओवरवेलमिंग इन द पास्ट कपल ऑफ डेज, बहुत सारा काम हो गया. बट आई हैवन फॉरगॉटन. एंथ्रोपोलॉजी के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मैंने क्लासीफाई करके अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल दिए, आप वहाँ से देख सकते हैं. एंड सून आई विल मेक अ वीडियो वेयर वी आई विल शो यू कि ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करके ही आप एंथ्रोपोलॉजी में बहुत अच्छा स्कोर ला सकते हैं. नाउ फॉर पीपल हु आर गिविंग मीन्स 2024, आई विल मेक अ सिमिलर ग्रुप फॉर यू, जस्ट गिव मी सम टाइम. सब कुछ एक बार थोड़ा स्ट्रक्चर हो जाए, जिनका इस साल मीन्स है ऑफकोर्स दे आर यू नो दे हैव सम अर्जेंसी, तो पहले ये चीज़ स्ट्रक्चर हो जाए, देन विल कम बैक एंड विल मेक अ ग्रुप फॉर मीन्स 2024 ऑल्सो. थैंक यू फॉर वॉचिंग, आई विल सी यू ऑन मंडे नेक्स्ट विद द एंथ्रोपोलॉजी स्ट्रैटेजी.